हाँ भैया एक बार आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए सर दोस्तों आ जाइए। हाँ दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम टू थिंक एसएससी। दोस्तों 2-4 मिनट डिले हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से क्लास थोड़ा सा डिले हो गई। कोई नहीं, चलिए। हाँ तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज की आगे क्लास की। आज हम मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को खत्म करने के बाद कल हम न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों आ जाइए एक बार जल्दी से। तो बच्चों हम बात कर रहे थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास की, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन की। और अरे वो क्या नाम आकाश, लोगो लगा रह गया, लोगो देखो। ठीक है भाई चलो आ जाओ। तो बेटा 90 क्वेश्चन शायद हमारे हो गए थे, सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाइए ताकि 90 ये क्वेश्चन हो गया था। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क में दिया था, है ना, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। यस चलिए आ जाइए एक बार आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा था बेटा, हाँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं जरा हम जल्दी से। जी क्वेश्चन कह रहा है इफ डिक्रीजिंग 110 बाई एक्स परसेंट गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई द एक्स परसेंट, इफ इंक्रीजिंग एक्स परसेंट, कहता है डिक्रीजिंग 110 बाई एक्स परसेंट गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई एक्स परसेंट, देन एक्स परसेंट ऑफ 650 इज द व्हाट परसेंट ऑफ करेक्ट द नियरेस्ट इंटीजर मोर देन इतना परसेंट ऑफ द 780, है ना। बोलेंगे हाँ सर, यहां तक देखो बेटा। अब ये क्वेश्चन शायद आपने होमवर्क में क्या होगा नहीं क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, एक बार देखिएगा आराम से, है ना। तो बोलेंगे हाँ सर, तो आप देखेंगे कि बेटा 110 को x परसेंट कम किया गया तो रिजल्ट 50 को x परसेंट बढ़ाया गया तो इसके बराबर है। अगर आप बिल्कुल भी बेसिक सुनेंगे तो मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। कहता है बेटा 110 को x परसेंट कम कर दिया गया, मतलब 110 में से हम माइनस कर देंगे x परसेंट ऑफ किसका, बोलेंगे 110 का, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, बोलेंगे 50 को x परसेंट बढ़ाया गया 50 में प्लस कर देंगे, बोलेंगे कितना, नमस्कार, बोलेंगे कितना, तो बोलेंगे x परसेंट ऑफ कितना, तो बोलेंगे 50। और ये दोनों रिजल्ट आपस में कैसे आएंगे तो बोलेंगे सब बराबर आएंगे, आया ना। तो बोलेंगे हाँ सर, क्लियर है ना। क्लास डिले हो गई थी वो कमेंट्स किसी और के शो लग रहे शो कर रहे थे। अच्छा अच्छा चलिए कोई नहीं, ठीक है चलिए चलिए ओके ना ओके। हमने क्या बोला, हमने क्वेश्चन बोला 110 को अगर हमने x परसेंट कम कर दिया गया और हमने बोला कि 50 को x परसेंट हमने बढ़ा दिया गया तो बेटा 110 माइनस x परसेंट ऑफ 110 50 प्लस x परसेंट ऑफ तो बोलेंगे 50, ये आपस में बराबर आ गया, बोलेंगे हाँ सर। तो देखो मेरे बच्चों आप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे एक बार देखिएगा, आराम आराम से मेरी बातों को फील करना, ठीक है। बोलेगा देखो बेटा आप क्या करेंगे, ये वाला इधर ले आइए, जब ये इधर लेके आएंगे है ना इसको इधर ले जाइए, जब मेरे बच्चों इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सब 60 आ जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो बेटा ये 110 एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, बोलेंगे सब 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 50 इंटू एक्स अपॉन 100, क्योंकि किसी चीज की परसेंटेज निकालते हैं उसकी उसी से मल्टीप्लाई और बेटा 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे बच्चों ये आ गया 160 एक्स अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, ये जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, हाँ ना। बोलेंगे हाँ सर, इसको काटेंगे बेटा 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे कितना आ गया 15 आ गया, तो इधर आ जाएगा 15 पंजी 75 और 2 तो बोलेंगे 75 अपॉन 2% आ गया, किसकी वैल्यू तो बोलेंगे सब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 75 अपॉन 2% आ गया, यस और नो तो बोलेंगे यस। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और मेरे बच्चों अगर यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है बेटा 650 का x परसेंट
780 का x माइनस 10% के से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, कितना परसेंट ज्यादा होगा। हाँ या ना जी। सब दोस्तों गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब देखो बच्चों, ये कहता है बेटा x माइनस 10%, इसका मतलब मेरे बच्चों अगर x माइनस 10 निकालूंगा तो 75 माइनस का बेटा 10, दैट इज ये आ जाएगा 55/2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 55/2% आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बोले नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मेरे बच्चों ये कहता है 650 का x परसेंट और 780 के इतने परसेंट से कितना परसेंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए, सबसे पहले बेटा 650 का x परसेंट निकाल लीजिए, तो 650 इंटू 75 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 650 का x परसेंट आ गया, बोलेंगे हाँ सर। और बेटा बोला है हमसे, क्या बोला है, 780 का x माइनस इतना परसेंट, तो ये इतना परसेंट आ गया और डिवाइड बाई क्या आ गया, तो बोलेंगे 100 आ गया। क्योंकि किसी चीज की परसेंटेज निकालते हैं उसकी उसी से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। बेटा टीयर टू का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। कहता है बेटा ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है। अगर बच्चों हमें निकालना है कितना परसेंट ज्यादा है, तो एक बार देखिएगा, हम काटेंगे बेटा 25 से 3 बार, हम काटेंगे 25 से 4 बार, यस और नो, तो बोलेंगे यस। हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 2 बार, हाँ या ना, और 2 से काटेंगे कितने बार, 39 बार। क्लियर है, बोलेंगे सब क्लियर है। 39 धन 390, 39 से कम 39, तो ये आ जाएगा 429 डिवाइड बाई कितना, बोलेंगे 2 आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। कोई एतराज, बोलेंगे नहीं सर कोई भी एतराज हमको नहीं है। और बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां देखो बेटा कुछ कट रहा है क्या, ये केवल और केवल 2 से कटेगा, किससे कटेगा 2 से। अगर ये 2 से कटेगा तो देखेंगे ये आ जाएगा कितना 325 इंटू 3, तो ये आ गया 975 डिवाइड बाई कितना आ गया, बोलेंगे 4 आ गया। और मेरे बच्चों ये कितना है 429 डिवाइड बाई 2, तो इसको क्या करो, इसको भी 4 ही बना लीजिए, तो इजी हो जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो बेटा ये हो जाएगा कितना 858 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4। और पूछा है ये कितना ज्यादा है, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे, बोलेंगे हाँ सर। अगर बच्चों माइनस कर दिया तो 975 में से 858 जाएगा, तो 170 कितना आ जाएगा बेटा 117/4, इतना ज्यादा है बेटा किस पे, तो बोलेंगे 858 डिवाइड बाई कितना 4, और इंटू क्या कर देंगे मेरे बच्चों 100 कर देंगे, बोलेंगे हाँ सर। अब देखो बेटा ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे ये लगभग लगभग 117 है, ठीक है ना, ये लगभग लगभग कितना बेटा 120 है, और 12/7 84, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। देखो ये आ गया बेटा, ये आ चुका बेटा 117/858 इंटू 100, हाँ है ना, तो 100 × 7 = 17, 17 × 119 और 819 आ रहा है, लगभग लगभग ये 858 है, 858। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग 1/7 आएगा, 1/7 से बल्कि थोड़ा सा कम आएगा, है ना, तो 1/7 की वैल्यू 14, 2/7 होती है, तो इसका आंसर लगभग लगभग आएगा कितना, बोलेंगे 14%, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेशन में आएगा, और पूरा पूरा आंसर निकालने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बेटा, बड़ा क्वेश्चन है, हाँ है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। दो क्लास चल रही हैं सर लाइव, कौन कौन सी दो क्लास चल रही हैं बेटा, क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या 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 प्रॉब्लम आ रही है गर्भित, बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं बच्चों, एक बार बेटा मैं भी चेक कर लेता हूं यहां पे।
बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ बच्चों। कमेंट कर दे कि मेरी वॉइस आप तक सही आ रही है, मुझे सही से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और अपना खेल पढ़ने पढ़ाने का 6 बज चुके हैं और सारे शिकारी फटाफट से। क्या रही प्रॉब्लम भैया? एक मिनट रुको, एक मिनट मैं चेक कराता हूं एक बार। आकाश ये सब गड़बड़ है यार, जो क्लास मेरी है 12 इसमें किसी और की शो हो रही है, और जो किसी और की है उसमें मैं शो हो रहा हूं। मैं रुको आकाश को बुलाता हूं ना। हाँ अभी ठीक कराता हूँ, मैं अभी ठीक कराता हूँ, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, ये एक मिनट रुको मैं ठीक कराता हूँ यार, अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई शायद। आकाश एक बार आना यार। ठीक है ठीक, देख भाई ये प्रॉब्लम है, ये देख ये क्लास जो है वो 12 मेरी है, ये 12 मेरी है, इसमें क्लास चल रही है चरगुरमा सर की, ठीक है ना, क्लास 26 उनकी है, उसमें क्या अभी वो आकाश आ रहा है वो करेगा, ठीक है। ठीक है ना, एक बार बेटा अभी अभी इसी पढ़ लो, अभी अभी पढ़ो बेटा, अभी मैं ठीक कराता हूँ, लड़का आ रहा है वो टेक्निकल टीम का लड़का आ रहा है, वो अभी ठीक कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसलिए इसको ठीक करा रहा हूँ ताकि बेटा आपको बाद में क्लास में प्रॉब्लम ना आए आपको देखने में, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ, देखिए बेटा कहता है बच्चों, क्वेश्चन देखिए, ऊपर ठीक कर दो भैया, इसको बड़ा कर दो, बड़ा कर दो इसको। हाँ ना, ना वो मेरा वो भी ले लो, क्वेश्चन भी ले लो। हाँ क्वेश्चन देखिए, कहता है बेटा अनुज के पास किसी संपत्ति का इतना परसेंट है, उसके पास मौजूदा संपत्ति के 30% की वैल्यू इतनी है, तो संपत्ति के 45% की कीमत क्या होगी? आया ना, तो बोलेंगे हाँ सर, क्लियर है, बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। मेरे बच्चों एक बात यहाँ पे याद रखना, एक बात यहाँ पे याद रखना, अगर आप देखेंगे देखेंगे सुनिधि कहता है एक आदमी के पास किसी मौजूदा संपत्ति का 30% है, किसका, किसी मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत इतनी है, और कहता है एक आदमी के पास जो टोटल प्रॉपर्टी है तो मेरे बच्चों कितनी है, बोलेंगे 66 होल नंबर 2/3 है, मतलब कितना हो गया, बोलेंगे 2/3 हो गया, मतलब टोटल प्रॉपर्टी अगर 3 है तो उसके पास है कितनी, 2 है, यस और नो, तो बोलेंगे यस। अगर बेटा टोटल प्रॉपर्टी मेरे बच्चों अगर 3 है तो उसके पास प्रेजेंट टाइम में कितनी है, बोलेंगे 2 है। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर, टोटल प्रॉपर्टी अगर 3 है तो बेटा प्रेजेंट टाइम में कितनी है, बोलेंगे सब 2 है। और कहता है उस 2 के 30% की जो वैल्यू है वो 1,25,000 है। हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। मेरे बच्चों इसका जो 30% है उसकी क्या है, 1,25,000 रुपए है।
तो देखो बेटा, अगर मैं इसका 30% निकालूंगा मेरे भाई, तो बोलेंगे हाँ सर। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर जीरो, यहां पर दो जीरो। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? मतलब इस संपत्ति का 30% इन संपत्ति के कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 200 का 30% बेटा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। मतलब जो हमारे पास प्रेजेंट, जो हमारे पास कैपिटल है, वो 200 का 30% बेटा कितना है? 60 है। तो हम निकाल लेंगे जो ये 60 है वो टोटल का कितना परसेंट है। तो बेटा 60 जो है वो टोटल कितना है? 300 है। 300 का कितना परसेंट हो जाएगा? तो मेरे बच्चों तो हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20%। इसका मतलब जो ये हमारी कैपिटल का बेटा 30% है, वो टोटल कैपिटल का कितना है? बोलेंगे सर 20% है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलेंगे सर आ रही है। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा अगर ये टोटल कैपिटल का अगर ये 20% है, तो हम जानते हैं इसी 20% की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी दी है? बोलेंगे साहब 1,25,000 दी है। बोलेंगे हाँ, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे बच्चों 1% की वैल्यू कितनी आ गई? तो 6,200 कितनी आ गई? 50 आ गई। क्लियर? बोलेंगे सब क्लियर है। तो बेटा 45% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 45 इंटू इतना, तो पता लगेगा 6,250 इंटू कितना आ गया? तो बोलेंगे सब 45 आ गया। कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? 45 6 की मल्टीप्लाई 2,70,000, 45 × 90 और 45 पंजे ठीक है ना, 2,81,250। कितना आ जाएगा बेटा? 2,81,250 रुपये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। जो बच्चे स्मार्ट है वो क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाते, वो क्वेश्चन क्या करते हैं? बिना पेन के सीधे सीधे बोलेंगे कि बेटा उसके पास जो प्रॉपर्टी है ना, उसके पास जो प्रॉपर्टी है कितनी है? 66 2/3, मतलब 2/3। टोटल प्रॉपर्टी 3 है तो है कितनी? 2। तो बेटा 2 का 30%, मिसाल 200 का 30% 60, तो टोटल का कितना परसेंट होगा? बोलेंगे 20% होगा। बेटा इस 20% की वैल्यू कितनी है? तो बोलेंगे इतनी है। तो मेरे बच्चों 45% की वैल्यू कितनी होगी? हमको निकालना पड़ेगा। हाँ ना? तो बोलेंगे हाँ सर। ये बात क्लियर है? बोलेंगे सब क्लियर है। यहां तक कोई एतराज? तो बोलेंगे एतराज नहीं है। अगर बेटा ऐसे ना करना चाहो तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं, एक तरीके से और भी कर सकते हैं, एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि बेटा हमको बोला है टोटल का कितना परसेंट? 45%। मेरे बच्चों 300 का 45% कितना आ जाएगा? बोलेंगे साहब 135 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बोलेंगे नहीं प्रॉब्लम। तो मेरे बच्चों 135 200 का कितना परसेंट होगा? आया ना? तो बोलेंगे 135 200 का कितना परसेंट होगा? तो 200/2, इसका मतलब 135/2 कितना परसेंट निकाल लेंगे? 2% निकाल लेंगे। ये बात क्लियर है नहीं है? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। इसका मतलब यस, ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, हाँ इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इतना परसेंट हमको निकालना है। और बच्चों वैल्यू कितने की दी है? बोलेंगे 30% की वैल्यू दी है। बेटा 30% की वैल्यू 1,25,000 है, तो इतने परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ या ना? तो कोई है? हाँ भैया, ठीक है ना? चलो ओके। चलिए तो बेटा 30% की हमको वैल्यू दी है, इतने परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रख देंगे 30% की वैल्यू 1,25,000, तो इतने परसेंट की वैल्यू क्या होगी भाई? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा, मजा आएगा जल्दी। अब देखिए, आगे देखिए आराम आराम से।
कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक बार देखिए। कहता है टू नंबर्स आर 40% एंड द 80% लेसर देन अ थर्ड नंबर, बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी एनहेंस टू द मेक द इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। बात क्लियर है, बोलेंगे आंसर क्लियर है। मतलब एक नंबर बेटा फर्स्ट है, एक नंबर सेकेंड है, और एक नंबर क्या है बोलेंगे थर्ड। कहता है बेटा दो नंबर है, दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, आया ना। तो बेटा तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या 40 कम है तो बेटा 60 है, दूसरी संख्या कितनी कम है बोलेंगे 80% कम है तो बेटा कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए, तो बेटा दूसरे को पहले के बराबर करना है तो कितना बढ़ाएंगे बोलेंगे 40, क्योंकि 40 कम है तो बेटा 40 बढ़ाएंगे, यस और नो, तो बोलेंगे यस। मेरे बच्चों ध्यान देना, कहता है दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, तो बेटा 40 बढ़ाया है और दूसरी संख्या है कितनी तो बोलेंगे 20 है, तो मेरे बच्चों 100 पे कितना तो बता देंगे, 20 से काटेंगे दो बार और 2 × 100 कितना परसेंट आ जाएगा तो बोलेंगे 200% बढ़ा देंगे, तो हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। दैट इज हमारा आंसर आ गया डी। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ सर हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर है बेटा। नीचे 20 क्यों आया, आप मेरी बातों को समझिएगा, आप मेरी बातों को समझने की थोड़ी थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। हाँ सर, ये ना जब क्लास खत्म होगी ना उसके बाद ही होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है भाई, चलो आ जाओ ऊपर, ठीक है। हाँ गले के दर्द में तो आराम है बट अभी प्रॉपर आराम नहीं है, इसीलिए मैंने YouTube की क्लास अभी ऑफ कर दी है, और शायद मैं एक या दो दिन के बाद कल से या फिर परसों से मैं YouTube की क्लास लूँगा, और YouTube की क्लास लूँगा तो फिर मैं उस पर नंबर सिस्टम पढ़ूंगा प्रॉफिट लॉस कराने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा स्वेलिंग है अभी। ठीक ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। चलो कहता है अ मेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय इतना लैक्स, व्हाट द टैक्स ऑन इनकम टैक्स ऑन इनकम दैट ही पेस टू रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%, ही नाउ पेस द सेम अमाउंट ऑफ द टैक्स एज बिफोर, व्हाट इज द इंक्रीज इनकम इन रुपीज लैक। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। बच्चों क्वेश्चन कहता है एक आदमी का इनकम टैक्स 12% से बढ़कर घटकर 10% हो गया, है ना, पहले 12% था मेरे बच्चों, अब 10% हो गया, पहले 12 था अब 10 हो गया, लेकिन वो आदमी अभी भी पहले के बराबर ही इनकम टैक्स देता है, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों, पहले इनकम टैक्स देता था 12%, अब इनकम टैक्स दे रहा है 10%, तो बेटा दोनों टैक्स आपस में कैसे हैं बोलेंगे सब बराबर है, दोनों टैक्स आपस में बराबर है, तो मेरे बच्चों बराबर कर दिया। और हम जानते हैं कि बेटा 2 से काटेंगे तो ये 6 बार, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार, तो 6 = 5 आ गया मेरे बच्चों, 5 * कितना आ गया 6 आ गया, मतलब पहले इनकम अगर होगी 5, अब इनकम कितनी हो जाएगी तो बोलेंगे सब 6 हो जाएगी, पहले इनकम 5 है अब इनकम कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, अब बताओ तो इसकी इनकम कितनी बढ़ी तो बोलेंगे 1 बढ़ी, और इनकम 1 नहीं बढ़ी है, कितनी बढ़ी है तो बोलेंगे 1.5 लाख बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 1.5 लाख बढ़ी है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द इंक्रीज इनकम, तो मेरे बच्चों इंक्रीज इनकम कितनी है 6 है, तो 6 × 1.2 दैट इज 7.2 लाख रुपीज आपका क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सब आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे, क्लियर है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस को आपको आपको एग्जाम में पेन उठाना ही नहीं है, क्या बोलेंगे सीधी सीधी बात है, पहले 12%, अब कितना है 10%, तो 12 = 10, 2 से काटेंगे 6 = 5, तो 5 * कितना 6, पहले कितना 5, अब कितना 6, कितना बढ़ा दिया 1, 1 नहीं 1.2, तो बड़ी हुई इनकम पूछे तो 6 निकाल देना, पहले बार इनकम पूछे तो 5 निकाल देना। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे, ठीक है आ जाओ। अजीम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, आ जाओ बेटा।
बेटा अब क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोल दे कि 20% इनकम टैक्स से फ्री है, 10% इनकम टैक्स से फ्री है, 15% इनकम टैक्स से फ्री है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा? सेम होगा, यस और नो, तो बोलेंगे यस। ये इसका बेटा आंसर होता, जल्दी क्या आंसर आएगा सोनी, क्या आंसर आएगा बेटा? कहता है इन आईटीसी कंपनी अ मेंस इनकम इज इंक्रीज बाय 12, अ मेन इनकम इंक्रीज बाय 1200 रुपीज एंड द सेम टाइम द रेट ऑफ टैक्स टू बी पेड इज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%। नाउ ही पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम इफ 20% ऑफ इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन बोथ केसेस, है ना? यस, ठीक है। तो बेटा इसमें कहता है 20% इनकम टैक्स फ्री है, इसका कोई भी रोल नहीं है, दोनों कंडीशन में टैक्स फ्री है, तो बेटा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी, फास्ट। बताइए बेटा, बताइए फर्स्ट क्या आंसर आएगा बेटा जल्दी से। बहुत ही आसान, पेन तो उठाना ही नहीं था बेटा, थिंक विदाउट थिंक, बिना पेन के आंसर बताइए जल्दी से। YouTube की क्लास आज ऑफ है, कल देखूंगा, तबीयत ठीक हो गई तो कल से क्लास ले लूंगा। जी बताओ बेटा, गर्वित, सुनिधि, मृत्युंजय कुमार, संजीव कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बेटा। क्या करेंगे बच्चों, पहले 12%, अब 10%, 2 से काटा, 6 = 5, 5:6 आ गया। पहले इनकम 5, अब इनकम 6, कितनी बड़ी? 1 नहीं 1200, 1 = 1200, बड़ी हुई पूछे तो 6 निकाल देना, 6 × 1200 आ गया, पुरानी पूछे तो 6 दर आ गई, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। क्या बोलेंगे बच्चों कि पहले 12%, अब कितना? तो बोलेंगे 10%, ठीक है, बोलेंगे ठीक है। तो बेटा देखो, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे कितना? 5 आ गया, इसका मतलब बेटा 5:2 कितना आ गया? बोलेंगे 6 आ गया। अब बता दो कितना बढ़ा दिया? 1 नहीं कितना? तो बोलेंगे 1200। तो बेटा 6 × 1200 कितना आ गया? तो बोलेंगे 7200। बड़ी हुई इनकम पूछे तो बेटा 7200 आ गई, और नॉर्मल इनकम पूछे तो बेटा 5 आ गई, यस और नो? तो बोलेंगे यस। हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं फिट हो जाऊंगा तभी क्लास लूंगा मैं, आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, आप सबका प्यार है मेरे साथ, तो मैं जल्दी फिट हो जाऊंगा, बाकी आप लोग प्रे कीजिएगा मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, ठीक है ना? और आप स्टूडेंट का प्यार ही तो है, जो कि कई बार डॉक्टर हमको बोलता है थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, लेकिन हम लोग रेस्ट नहीं करते, नहीं साहब हम क्लास कम पढ़ा लेंगे, क्योंकि हम टीचर्स ऐसे टीचर्स हैं हम लोग कि हमको क्लास साउंड नहीं आ रहा है, क्या साउंड नहीं आ रहा है क्या बेटा? साउंड नहीं आ रहा है क्या? आकाश, साउंड देखना, साउंड कहां से चेक होगा बच्चों? माइक क्या लो तो नहीं है? माइक तो ठीक है, फिर साउंड क्यों बोला है फिर ये? बेटा आवाज तो आ रही है मेरी बच्ची, आवाज तो आ रही है बेटा, साउंड तो प्रॉपर है। ठीक है, चलो आ जाओ।
आ जाओ बेटा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इन दिनों क्रिकेट मैच भी चल रहा है, उसी का क्वेश्चन आ गया, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखो मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जो चीज कांस्टेंट है उसको बराबर कर देंगे, बाकी चीजें टूट जाएंगी। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन अ सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज अ सक्सेस रेट 60% अगेंस्ट इंडिया। तो बेटा जो पाकिस्तान है वो बेटा 60% मैच जीती है इंडिया के अगेंस्ट, मतलब टोटल अगर 100 मैच हुए हैं तो उनमें से 60 जीता है पाकिस्तान, 40 जीता है हमारा इंडिया। यस और नो? तो बोलेंगे यस। कहता है इन ऑल वनडे इनिंग्स प्लेड बिटवीन टू कंट्रीज दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 वनडे इनिंग्स इन अ रो टू इंडिया एंड देयर सक्सेस रेट कम्स डाउन टू 30%। और कहता है बेटा पाकिस्तान आने वाले 30 के 30 मैच इंडिया से हार गया। हाँ ना बेटा, 30 के 30 मैच इंडिया से हार गया, लेकिन जो आगे 30 मैच खेले गए वो सारे के सारे पाकिस्तान मैच हार गया है। तो क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ वनडे इनिंग्स प्लेड बिटवीन टू कंट्रीज, कहता है अब तक कुल कितनी इनिंग्स दोनों कंट्री के बीच में खेली गई हैं। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। और पाकिस्तान का जो सक्सेस रेट है वो कितना हो गया? बोलेंगे सब 30% हो गया। तो मेरे बच्चों एक बार बता दो, पहले पाकिस्तान ने जितने मैच खेले थे 60% मैच जीते थे? बोलेंगे हाँ सर। उसके बाद 30 मैच और हुए हैं? बोलेंगे हाँ सर। 30 मैच और हुए हैं, सारे के सारे मैच इंडिया जीता है, एक भी मैच पाकिस्तान ने जीता है। तो जितने मैच पाकिस्तान ने पहले जीते थे उतने ही मैच पाकिस्तान ने आज जीते हैं। आज उतने ही मैच क्यों जीते हैं? क्योंकि उतने ही मैच जीतने का रीजन ये है क्योंकि अभी जो 30 मैच हुए हैं उनमें पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता है। इसका मतलब पहले तक जितने भी मैच जीते थे आज भी उसने उतने ही मैच जीते हैं। यस और नो? यस। किसने? पाकिस्तान ने। इसका मतलब बेटा पाकिस्तान के जीते हुए मैच पहले कितने? 60%। पाकिस्तान ने जीते हुए मैच अब कितने? 30%। और जीते हुए मैच आपस में कैसे होंगे? बोलेंगे सब बराबर होंगे। और मेरे बच्चों बराबर होंगे तो हम रख देंगे क्या, 2 = 1 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों 1:1 कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब पहले मैच 1 खेला गया होगा, अब मैच 2 खेले गए होंगे। तो मेरे बच्चों मैच कितना बढ़ा दिया? तो बोलेंगे 1 बढ़ा दिया। और मैच 1 नहीं कितना बढ़ाया है? बोलेंगे सब 30 मैच बढ़ाए हैं। कितने मैच बढ़ाए हैं? 30 मैच बढ़ाए हैं। 1 = 30 आ गया। तो कहता है दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या होगी? तो बेटा 2 × 30, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सब 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सब 60 आ जाएगा। दैट इज सी इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, समझ पा रहे हैं। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को फील करेंगे क्या कि पहले मैच खेले 60%, अब मैच खेले कितना, पहले मैच जीते 60%, अब मैच जीते 30%। लेकिन इन बिटवीन दीज डेज पाकिस्तान डिड नॉट विन एनी मैच। ये सुनो, मतलब एक भी मैच नहीं जीती है, जितने मैच पहले जीते थे उतने ही मैच आज जीते हैं। तो 60 = 30, 2 = 1, तो 1:2 आ गया। पहले मैच 1, अब मैच 2, कितना बढ़ा दिया? 1। 1 = 30, तो 2 = 60। अभी तक कुल कितने मैच खेले? तो बोलेंगे 60। पहले कितने खेले थे? बोलेंगे 30। गॉट इट ऑर नॉट? बोलो बेटा, गॉट इट ऑर नॉट? बोलेंगे हाँ सर, क्लियर एकदम। चलो आ जाओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन कहता है इन आर सिटी 45% ऑफ द मेन आर मैरिड, 25% ऑफ द वेमेन आर मैरिड, कंसिडरिंग दैट नोबडी इज मैरिड मोर देन वंस, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड। हाँ या ना? कहता है बेटा एक शहर में 45% मेल मैरिड है, 25% फीमेल मैरिड है। और कहता है मेरे बच्चों, कहता है एक आदमी एक से अधिक शादी नहीं करता है, एक ही शादी करता है, ईमानदार है। और कहता है कि बताओ कितने परसेंट लोग शादीशुदा हैं, मैरिड है। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। मेरे बच्चों अगर आप क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर क्या सवाल आएगा अगर आप देखेंगे कि आप जानेंगे सर, अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर में 4 मेल मैरिड हैं तो लाजमी है मेरे बच्चों 4 फीमेल भी मैरिड होंगे। हाँ या ना? 4 मेल अगर मैरिड हैं तो लाजमी है 4 फीमेल भी मैरिड होंगे, क्योंकि मेरे बच्चों एक मेल की शादी किससे होती है? एक फीमेल से होती है। एक मेल की शादी अगर एक फीमेल से होती है,
इसका मतलब ये है बेटा, जितने मेल मैरिड होंगे उतने ही कौन होगा, फीमेल मैरिड होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। यस और नो? तो बोलेंगे यस। क्लियर है? बोलेंगे सब क्लियर है। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन कहता है, एक शहर की जनसंख्या में से 45% आदमी तथा 25% औरतें शादीशुदा है। तो बेटा अगर आदमियों की बेटा 45% और मेरे बच्चों और औरतों का कितना 25%, अब शादीशुदा है तो बेटा एक मेल की शादी एक फीमेल से होगी, तो जितने मेल मैरिड हैं उतने ही फीमेल मैरिड होंगे। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो मैरिड लोगों की संख्या आपस में बराबर होगी। अगर बच्चों बराबर होगी तो एक बार देखो, 5 से काटेंगे 9 बार और 5 से काटेंगे कितने बार, तो बोलेंगे 5 बार। 9 बराबर 5 आ गया तो बोलेंगे 5:2 कितना आ गया, बोलेंगे 9 आ गया। तो मेरे बच्चों अगर टोटल अगर मेल 5 हैं तो फीमेल कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब हमारे पास आ चुका है कि 5 मेल हैं और बेटा फीमेल कितने हैं, 9 हैं। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब मैं इसको थोड़ा साइड से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, कि कहता है बेटा 45% मेल मैरिड है तो 25% कौन है, फीमेल मैरिड है। अगर मैं इसको काट पाऊंगा तो बेटा 9 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब 5:2 कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब मैं कह पाऊंगा बेटा ये क्या कौन है, मेल है, और मैं कह पाऊंगा ये कौन है, तो बोलेंगे सब फीमेल है। मेल कितना आ गया, 5 आ गया, फीमेल कितना आ गया, 9 आ गया। और देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है कि 45% मेल मैरिड है, बोलेंगे यस। और बेटा ये कहता है 25% फीमेल मैरिड है, बोलेंगे यस। 5 का 45% कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे साहब 225 हो जाएगा। 9 का 25% कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, क्योंकि 20 और 20 यहां पे बढ़ा देंगे। आया ना? तो बोलेंगे हाँ सर। तो कुल मिला के बेटा कितना मैरिड आ गया, बोलेंगे 450 आ गया। बोलेंगे किस पे आ गया, तो बोलेंगे 9 और 5, तो बोलेंगे 1400 पे आ गया। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना आ गया, तो 20 से 20 कैंसिल आउट। यस और नो? तो बोलेंगे यस। आया ना? बोलेंगे यस। और बेटा 2 से काटेंगे 7 और 2 से काटेंगे कितना, 225। मेरे बच्चों ये आ जाएगा 225 डिवाइड बाई कितना, तो बोलेंगे 7 आ गया। तो 7 या 21, 7 × 14 32, 1/2 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सब 7% हमारा आंसर आ गया। 32 × 7% आपका आंसर आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर। बेटा ये बातें उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगी जिनके मन में एक बात चल रहा है कि सर जितना मेल मैरिड होगा उतना ही कौन होगा, बोलेंगे सब फीमेल मैरिड होगा। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है नहीं? ठीक है, चले आगे। इजाजत है? बोलिए, आ जाओ। ये अभी छोड़ दीजिए, ये अभी नहीं करना है, ये भी अभी नहीं करना है आपको, ये भी अभी नहीं करना है आपको, चलिए ये भी नहीं करना अभी आपको। हाँ, ये क्वेश्चन आपको करना है, सुनो, ये क्वेश्चन आपको करना है। और ठीक है बेटा, लगभग लगभग बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, लगभग लगभग ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं जो मैंने अभी मैंने स्क्रॉल किए हैं, जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो क्वेश्चन कैट के हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के मतलब के नहीं है, आपके एग्जाम के मतलब के नहीं, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़े हैं, वो क्वेश्चन कैट के हैं, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को छोड़ दिया है। हाँ ना? बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आज मैं आपको बेटा एक बात और बता दूं, इसमें 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको खुद करना है, आपको खुद, क्योंकि मैं लगभग लगभग चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ पे मेरे बच्चों
दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, और मैं आपको कैसे कैसे पढ़ाऊंगा वो आप जान लीजिए। बेटा मैंने परसेंटेज खत्म किया है, ये मैं आपको ग्रुप वाइज पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा बेटा? ग्रुप वाइज। तो मैं आपको पहला जो ग्रुप पढ़ाऊंगा, तो पहला ग्रुप पढ़ाऊंगा बेटा परसेंटेज, और पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये बेटा ये ग्रुप हो जाएगा। नंबर दो ग्रुप पढ़ाऊंगा मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बस पास आते हैं, ठीक है ना? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इसी में पढ़ाऊंगा मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसी में बेटा पढ़ाऊंगा मैं एज, और इसी में पढ़ाऊंगा मैं पार्टनरशिप। ये एक ग्रुप हो गया। तीसरे ग्रुप में बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको एवरेज। एवरेज में आपको अकेला चैप्टर पढ़ा दूंगा। नंबर चार में पढ़ा दूंगा बेटा मैं एसआई, और इसी में आ जाएगा सीआई। नंबर पांच आ जाएगा मेरे बच्चों टाइम एंड डिस्टेंस, वही स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और ये आ जाएगा मेरे बच्चों बोट एंड स्ट्रीम। क्या आ जाएगा? बोट एंड स्ट्रीम। और बेटा नंबर छह आ जाएगा क्या? टाइम एंड वर्क, और इसी में आ जाएगा मेरे बच्चों पाइप एंड सिस्टम। ठीक है ना? ये बेटा अर्थमेटिक का। हाँ, पीडीएफ में ऐड कर दूंगा सारे क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सारे में पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। तो ये बच्चों क्या है, ये हमारा क्या है? तो बोलेंगे साहब ये अर्थमेटिक है। यहां तो बेटा आपको अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, इस तरीके से मैं इसी पढ़ाऊंगा। अब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, फिर रेशियो, फिर मिक्सचर, फिर एज, फिर पार्टनरशिप, एवरेज, एसआई, सीआई, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब देखो बेटा, इसके बाद जब मैं आपको एडवांस शुरू करूंगा, एडवांस, तो एडवांस में नंबर पहला लूंगा मैं बेटा नंबर सिस्टम का। किसमें लूंगा बेटा? तो बोलेंगे सब नंबर सिस्टम। और दूसरा लूंगा मैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। क्या लूंगा? तो बोलेंगे सब सिंप्लीफिकेशन। और तीसरा लूंगा मैं एलजेब्रा। और सॉरी, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। और फिर लूंगा मैं चौथा सट्स एंड इंडिसेस। और बेटा पांचवा लूंगा मैं आपका एलसीएम एंड एससीएम। ये एक ग्रुप हो गया। जी हाँ, सारा कराऊंगा बेटा। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। नंबर दो मेरे बच्चों फिर कराऊंगा क्या? मैंचुरेशन 2D एंड 3D है ना। इसके बाद बेटा फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये नंबर तीन पे पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना? और मैं आपको डीआई यहां पढ़ा दूंगा, अर्थमेटिक में यहां पढ़ा दूंगा बेटा डीआई, यहां पढ़ा दूंगा क्या? डीआई। ठीक है ना? बोलेंगे ठीक है। और बेटा इसके साथ अब कभी कभी एक आध बार परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं आपको दो दो तीन तीन क्लास उनका भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बस बेटा ये आपका सिलेबस होगा। हाँ यार, और अभी तक मेरे बच्चों कुछ किसी वजह से मैं बीच में 3 दिन के लिए बाहर चला गया था मैं, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम आ गई, तब अब तक छुट्टियां हो रही थी। अब हम रेगुलर वे में पढ़ेंगे, मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे। अभी तक क्लासेस थोड़ी कम हो रही थी, 50 मिनट की हो रही थी। आगे से मैं पूरी की पूरी क्लास 56 से 57 मिनट की क्लास लूंगा। राइट टाइम आप 6 बजे लाइव आ जाया करो बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव जुड़ो मेरे साथ, लाइव पढ़ो मेरे साथ, है ना? एडमिशन बहुत सारे हैं, बच्चे बाद में रिकॉर्डेड पढ़ते हैं।
और थोड़ा सा मेरा अभी एक नया बैच और आएगा इस महीने 20-22 तारीख के आसपास आएगा मेरा एक नया बैच इसी थिंक एसएससी पे, तो आपके कोई भाई बहन उसमें जुड़े तो उसमें बता देना उन लोगों को, वो अगले बैच में जुड़ जाए ताकि उनको दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है बेटा, तो अब कल से हम थोड़ा डिसिप्लिन में पढ़ेंगे ताकि विद इन टाइम में आपका सिलेबस हो जाए, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, बाकी बातें हम आपसे करेंगे सर कल की क्लास में, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।